सो हेलो गाइस, मैं मुजैन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक विद सनी में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 3.5 mm का ऑडियो जैक है वो स्मार्टफोन से रिमूव किया जा रहा है, तो इसके पीछे का रियल रीजन क्या है। और गाइस, सबसे स्टार्टिंग में आईफोन 7 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे एंड्रॉइड के जो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन थे उनसे रिमूव किया गया। लेकिन गाइस, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन होते हैं, जो 60-70 हज़ार के 1 लाख के स्मार्टफोन है, उनसे रिमूव किया जा रहा था, तब तक तो ठीक था, क्योंकि जो लोग इतने महंगे स्मार्टफोन खरीदते हैं वो महंगे ईयरबड्स, TWS, नेक बैंड्स वगैरह को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अभी जो है मिड रेंज के स्मार्टफोन से भी रिमूव किया जाने लगा है। और अभी आपने देखा जो रियलमी का X7 आया था 120,000, उसमें भी आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, साथ ही एक दो स्मार्टफोन और थे जिनमें ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, इस सब के बारे में हम आगे बातें करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 3.5 mm का ऑडियो जैक है वो स्मार्टफोन में यूज की जाने वाली सबसे पुरानी इन्वेंशन है, और अब धीरे धीरे इसे जो है रिमूव किया जा रहा है। और इसे रिमूव किए जाने का सबसे सीधा और सिंपल रीजन है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। हालांकि जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपने अलग अलग रीजन देती है कि उन्होंने ऑडियो जैक को स्मार्टफोन से क्यों रिमूव किया, लेकिन इसके पीछे का सीधा सिंपल रीजन पैसा है, और जो कि शायद आप लोग समझते होंगे। और गाइस, जब सबसे पहले आईफोन 7 में से ऑडियो जैक को रिमूव किया गया था, उस टाइम जो अदर कंपनीज थी उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया था, और उन्होंने कहा था कि हम स्मार्टफोन में ऑडियो जैक भी देते हैं और साथ में ईयरफोन भी देते हैं। लेकिन दूसरी कंपनियों ने देखा, जो एप्पल ने अपने आईफोन 7 से ऑडियो जैक रिमूव किया था और उसके बाद उन्होंने अपने वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में लॉन्च किए, तो वहां पे एप्पल काफी सक्सेस रहा था, और उसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, और अपने फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन है उनमें से उन्होंने ऑडियो जैक को रिमूव करना शुरू कर दिया और अपने वायरलेस ईयरबड्स जो है मार्केट में उतारना शुरू किया। और टाइम के साथ लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन है उनमें हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस, वो एक लेवल तक ठीक था, क्योंकि जो लोग फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन खरीदते हैं वो महंगे ईयरबड्स होते हैं, उनके साथ जो लॉन्च किए जाते हैं वो सब खरीद सकते हैं। लेकिन गाइस, अभी ये सब चीजें जो है मिड रेंज स्मार्टफोन में भी की जाने लगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे अब आके ये सब गलत लगता है, क्योंकि अब मिड रेंज के स्मार्टफोन में होता क्या है, जो लोग 15,000-20,000 के स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो वो कहां से जो है 10-12 हज़ार के ईयरबड्स खरीदेंगे। क्योंकि गाइस, स्मार्टफोन की कंपनीज क्या करती है, वो अपने स्मार्टफोन में जो है ईयरफोन जैक नहीं देती, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करते हैं मार्केट में, और उनमें कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं, अगर वो अपने स्मार्टफोन के साथ यूज करेंगे तो वो उन फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे, अगर वो अपने स्मार्टफोन के साथ किसी दूसरे ईयरबड्स को यूज करते हैं तो वो फुल्ली फीचर्स को जो है यूज नहीं कर पाते। अब इन सब चीजों को देख के यही लगता है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो सिर्फ पैसे के पीछे है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी पहली बार कोई स्मार्टफोन कंपनी अपने स्मार्टफोन से हेडफोन जैक को रिमूव करती है तो उसके तुरंत बाद वो एक वायरलेस ईयरबड मार्केट में लॉन्च कर देती है। जिन भी लोगों ने उस कंपनी के स्मार्टफोन को परचेज किया उन्हें कहीं ना कहीं उसी कंपनी के ईयरबड्स को खरीदना होता है, क्योंकि अगर उन्हें पूरी तरह से एक्सेस लेनी है कॉल्स के लिए, म्यूजिक के लिए, पूरा मजा उठाना है अपने मोबाइल से वायरलेस ईयरबड्स का, तो उन्हें उसी कंपनी के ईयरबड्स को खरीदना होता है। सो कहीं ना कहीं घूम फिर के सारा फायदा जो है एट द एंड कंपनी को होता है। लेकिन इस फोन में ऑडियो जैक ना देने के कंपनी जो रीजन बताती है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सो उनका कहना है, अगर वो फोन में ऑडियो जैक हटा दे तो वहां पे जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस निकल के आता है, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करके सबसे पहला तो वो बैटरी के साइज को बढ़ा सकते हैं, दूसरा वो फोन को और ज्यादा थिन कर सकते हैं, और तीसरा वहां पे कोई वो नई इन्वेंशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और चौथा फोन की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो फोन वाटर रेजिस्टेंट होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फोन में जितने कम पोर्ट्स होंगे तो वहां पे उतनी ड्यूरेबिलिटी फोन की बढ़ेगी, पानी में अगर फोन गिर जाता है तो पानी अंदर जाने के चांसेस कम होंगे। और पांचवा, अगर हम वायरलेस ईयरबड्स यूज करते हैं तो जो तारों का झंझट होता है ईयरफोन में वो सब हमें देखने को नहीं मिलता, और वायरलेस ईयरबड्स को हम काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। और गाइस, इन सभी रीजंस को हम कहीं ना कहीं सही भी मान लेते हैं, लेकिन अब इन सब फायदों के अलावा मुझे ज्यादा नुकसान लगते हैं फोन में हेडफोन जैक ना देने के, अब उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो पहला तो गाइस, अगर हमें फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता तो वहां पे हमें सी टाइप का पोर्ट मिलता है, जहां पे हम सी टाइप की ईयरफोन और सी टाइप का चार्जर यूज कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास जो वायरलेस ईयरबड्स नहीं है और हमारे पास जो है सी टाइप की ईयरफोन है, तो हम सेम टाइम अगर फोन को चार्ज करना चाहें या फिर ईयरफोन को यूज करना चाहें तो ऐसे केस में हम यूज नहीं कर सकते, और वहां पे जो है हमें वायरलेस ईयरबड्स को ही यूज करना होगा। दूसरा, अगर हमारे पास वायरलेस ईयरबड्स है तो हमें उन्हें जो है बार बार चार्ज करना होता है यूज करने के लिए,
और बाई चांस अगर हम उन्हें चार्ज करना भूल जाए तो हम उन्हें बिना चार्ज के यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी केस में हम वायर वाले ईयरफोन यूज करते हैं तो हम उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं, उन्हें चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम कंपेयर करें जो वायर वाले ईयरफोन आते हैं और जो वायरलेस ईयरबड्स आते हैं उनके प्राइस में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर हम एक अच्छी साउंड क्वालिटी सुनना चाहते हैं वायर वाले ईयरफोन से तो हमें कम से कम 350-400-500 हर्ट्ज के एक अच्छी खासी साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाती है। लेकिन अगर हमें वही सेम क्वालिटी वायरलेस ईयरबड्स में सुननी होती है तो वहां पे हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वायरलेस ईयरबड्स खरीदने होते हैं जिसके लिए ज्यादा हमें चार्ज होता है। सो गाइस अब यहाँ पे देखा जाए तो जो वायरलेस ईयरबड्स है वो पैसे के मामले में भी ज्यादा महंगे हैं। गाइस अब जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो अपने मिड रेंज के स्मार्टफोन से ऑडियो जैक को रिमूव कर रही है और धीरे धीरे ये आपको बजट सेगमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस स्मार्टफोन की जो कंपनीज है वो आपको ये कहेंगी कि हम आपको एक कॉमन पोर्ट दे रहे हैं, वहां पे आप जो है ईयरफोन या फिर चार्जिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फोन को चार्ज भी एक टाइम पे करना होता है और म्यूजिक भी एक टाइम पे सुनना होता है, तो हम ऐसे केस में एक ही काम कर पाएंगे। सो हमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईयरबड्स को परचेज करना होगा। और गाइस हम एक अच्छी कंपनी के ईयरबड्स परचेज करते हैं तो वहां पे वो हमें काफी महंगे मिलने वाले हैं, और वहीं अगर हम सस्ती चीप क्वालिटी के ईयरबड्स यूज करते हैं तो उनमें ना ही तो अच्छी कनेक्टिविटी होती है और साथ ही जो बैटरी बैकअप है, साउंड क्वालिटी है, वो भी सही देखने को नहीं मिलती। और गाइस जो उनकी लेटेंसी है वो भी काफी कम होती है, यानी कि आप अगर वायर वाले ईयरफोन्स यूज करते हो या फिर अच्छी क्वालिटी के ईयरबड्स यूज करते हो तो उनमें अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो या फिर गेम प्ले कर रहे हो तो जो साउंड है वो बिल्कुल बराबर पहुंचती है कानों तक। लेकिन अगर आप चीप क्वालिटी के जो ईयरबड्स वो यूज करते हो तो साउंड बराबर नहीं पहुंचती, और साथ ही अगर हम चीप क्वालिटी के ईयरबड्स हमारे कानों में यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ वो डैमेज हमारे कानों को भी पहुंचाते हैं। और अभी जो लीक्स निकल के आ रहे हैं उससे ये पता लग रहा है जो एप्पल अपना आईफोन 2021 में लॉन्च करने वाला है उसमें आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि फोन टोटली पोर्टलेस होने वाला है। और अब यहाँ पे मजे वाली बात ये होने वाली है, अगर एप्पल ऐसा करता है तो जो अदर कंपनीज है क्या वो भी अपने फोन से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव कर देगी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया जब एप्पल ने अपने आईफोन 7 से हेडफोन जैक को रिमूव किया था तब उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने ईयरबड्स को लॉन्च किया था और वो बहुत ही पॉपुलर ईयरबड्स रहे थे और काफी ज्यादा बिक्री उनकी हुई थी, तो उसका जो फायदा है सीधा कंपनी को गया था। और अगर अब यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी फोन में नहीं दिया जाएगा तो जो उनके वायरलेस मैगसेफ चार्जर है वो भी बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं जिसका फायदा डायरेक्टली कंपनी को होने वाला है, तो देखा जाए सब पैसे का खेल है। मेरा तो अभी कहना यही है कि मिड रेंज और लो बजट के स्मार्टफोन से अभी 3.5 mm के ऑडियो जैक को रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग वायरलेस ईयरबड्स को यूज करना चाहते हैं वो वैसे भी उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग लो बजट में अच्छी साउंड क्वालिटी चाहते हैं उनके लिए 3.5 mm ऑडियो जैक होना फोन में बहुत जरूरी है। अगर स्मार्टफोन कंपनीज मिड रेंज या फिर बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन से ऑडियो जैक को रिमूव करना चाहती है तो उससे पहले उन्हें लो बजट में अच्छी क्वालिटी के जो ईयरबड्स है वो मार्केट में लॉन्च करने चाहिए जिनकी बैटरी, कनेक्टिविटी, साउंड सब कुछ अच्छा हो, लोग उन्हें यूज करके देखे, उन लोगों को लग सके कि वो वायरलेस ईयरबड्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, तब उसके बाद कंपनी को ऐसा कदम उठाना चाहिए। ना ही स्मार्टफोन कंपनीज को जबरदस्ती उनके स्मार्टफोन से ऑडियो जैक को रिमूव करना चाहिए ताकि लोग उनके ईयरबड्स को खरीदने के लिए मजबूर ना हो। ये तो मेरा ओपिनियन था स्मार्टफोन से ऑडियो जैक को रिमूव करने को लेकर या फिर ना करने को लेकर, लेकिन अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करके बताइएगा, या फिर आप लोगों का कोई और सजेशन है, क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टा और FB पे आके पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो स्क्रीन पे चैनल का लोगो दिख रहा है यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।